हेलो दोस्तों, मैं रूपाश्री और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कोड़ा जनजाति के बारे में। यह जनजाति झारखंड की आदिम अल्पसंख्यक जनजाति है, अर्थात बहुत ही पुरानी जनजाति है और इनकी जनसंख्या झारखंड में काफ़ी कम है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति से है। यह जनजाति राज्य के दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चाईवासा आदि क्षेत्र में पाई जाती है। कोड़ा जनजाति के लोग झारखंड और पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि ओडिशा में ओडिया भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी जो अपनी भाषा है कोड़ा भाषा, वो मुंडारी भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है और कोड़ा जनजाति के लोगों को दांगर के नाम से भी जाना जाता है। कोड़ा मुंडारी भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी कोड़ना, और इनके युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। गीती ओड़ा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कोड़ा जनजाति के लोग अपने बच्चे को अपनी समाज की रीति रिवाज संस्कृति सीखने के लिए भेजते हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं। शिकार करना इनके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस जनजाति की आर्थिक व्यवस्था कृषि, वन उत्पाद और मजदूरी पर आधारित होता है, और ये वन से कंदमूल और फल फूल भी प्राप्त करते हैं। कोड़ा समाज में समान गोत्र में विवाह निषिद्ध होता है और विवाह से पूर्व यौन संबंध अपराध माना जाता है। इनके मध्य विवाह में वधु मूल्य का प्रचलन है। वधु मूल्य के रूप में नकद पैसा और साड़ी दिया जाता है। तंथाल जनजाति के लोगों के साथ कोड़ा जनजाति के लोगों का संबंध अच्छा होता है और ये संथालों के धार्मिक तथा वैवाहिक समारोह में भी भाग लेते हैं। कोड़ा समाज कई समूह में विभाजित है, जिनमें आलू बर्दा, बुटका, कास्याली, काशीबाग, संपुआदी आदि प्रमुख है। ये समूह गोत्र के आधार पर बटे हुए होते हैं। पेड़, पशु, पक्षी, फल आदि के नाम पर गोत्र का नाम आधारित होता है। गोत्र को कोड़ा भाषा में गुष्ठी कहा जाता है। कोड़ा गांव का जो प्रधान होता है उसको महतो कहा जाता है, और गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको बैगा कहा जाता है। मृत्यु संस्कार में मृतक के शरीर को दफना दिया जाता है, साथ ही मृतक द्वारा प्रयोग किए जाने वाली जो भी वस्तुएं होती है उसको भी दफन कर दिया जाता है। कोड़ा जनजाति के बारे में इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख ले, ताकि जब भी कभी इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू।